और अब आपको बताएं कि डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी का शाही किले का दौरा। सेक्रेटरी महकमा जंगलात मियां मोहिदुद्दीन के हमराह दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। जब के किला में जारी इमारात की बहाली के अमल का जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर वहाँ पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी रजा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाही किला में और यहाँ पर डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी यहाँ पर आए। उन्होंने जो यहाँ पर दीवान आम की जो बहाली का मंसूबा जारी है उसका उन्होंने जायज़ा लिया, उनको ब्रीफिंग दी गई डायरेक्टर कंजर्वेशन की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ कामरान लशारी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने इस दफ़ा पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ इश्तराक किया, मौसम है आज कल शजरकारी का, तो हमने वॉल्ड सिटी में और इधर भी और फोर्ट पे बड़े चनीदा किस्म के दरख्त जो हैं जो इस एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, हमारे अपने आबाई दरख्त हैं वो लगाए हैं। सर, जो जो यहाँ पे बहाली का मंसूबा आपने खुद वहाँ पे जाके जायज़ा भी लिया, उसके बारे में सर बताइए कि ये दीवान आम कितनी देर में इसको टोटली कंजर्व कर लिया जाएगा जो इस पर काम। ये दीवान आम पर और इसके अलावा 5-6 और जगह हैं विदन लाहौर फोर्ट जिन पर हम बयक वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें शाही बावर्ची खाना है, पिक्चर वॉल है, फिर ये एक बारूद खाना वो भी लोगों की नज़र से उजल था हमेशा के, उसको बहाल कर रहे हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो आप जगह की बात कर रहे हैं जहांगीर क्वाड्रेंगल, ये अगले 1.5 माह में इंशाल्लाह इसकी नशोनुमा जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जी, आपने यहाँ पे सुना डीजी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी जो कि बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदरून शहर को सरसब्ज और शादाब बनाएं, और इसके साथ ही जो बहाली का जो मंसूबा है जो कि इमारतें यहाँ पर बहाल की जा रही हैं उस हवाले से उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो जल्द ये जो मंसूबे हैं ये इसको मुकम्मल करके आवाम के लिए। शुक्रिया आपका रजा ताहिर।